हाँ जी चलिए बेटा हम आज एक्सरसाइज टू पॉइंट टू जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की है वो हम करेंगे तो लेकिन एक्सरसाइज में जाने से पहले हम कुछ फार्मूले देख लेते हैं ठीक है जो हमारे यूज होंगे तो ये फार्मूले बेटा जो है आप अभी पढ़ने जा रहे हैं ये फार्मूले सिर्फ आपके इसी चैप्टर में नहीं होंगे लेकिन जब आप सेकेंड बुक में इंटीग्रेशन स्टार्ट करोगे तो वहां पर भी ये फार्मूले यूज होंगे तो ये फार्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए ठीक है तो वहां पर भी इंटीग्रेशन में भी आपको यूज होंगे तो ये फार्मूले आपने लर्न बाय हर्ट अच्छे से करने है ठीक है देखिये साइन इनवर्स वन बाय क्या होगा कॉस इनवर्स एक्स और अगर कॉस इनवर्स एक्स होगा तो हम उसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स वन बाय एक्स सिमिलरली कॉस इनवर्स वन बाय एक्स होगा तो सेकंड वर्स एक्स और सेकंड इनवर्स एक्स होगा तो कॉस इनवर्स वन बाय एक्स tan इनवर्स वन बाय एक्स होगा तो कॉट इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स होगा तो उसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स वन बाय एक्स तो ये आपको यहां से भी पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से जो हम करते थे साइन साइन का उल्टा था यहां पर क्या था cosec यहाँ कॉस कॉस का उल्टा था सेक यहाँ tan tan का उल्टा था कॉट तो वही है साइन का कॉसेक cosec का साइन कॉस का सेक, सेक का कॉस टैन का कॉट कॉट का टैन ठीक है तो ये फर्स्ट सेट था हमारा सेकंड सेट की अगर बात करें तो ये हम फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जहां पर मैंने आपको इजी ट्रिक बताई थी कि हम दो फैमिलीज हैं एक फैमिली में ये तीन बंदे हैं साइन इनवर्स कॉ इनवर्स और टैन इनवर्स और दूसरी फैमिली में ये तीन मेंबर्स हैं कॉस इनवर्स वर्स इनवर्स और कॉट इनवर्स तो ये माइनस वॉमिट कर देते हैं ये भी वॉमिट करते हैं लेकिन ये वॉमिट करने से पहले हमें पाई भी देते हैं ठीक है थर्ड सेट अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका जब tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x होता है तो उसको पाई बाय टू लिख सकते हैं ठीक है तो जहां पर क्वेश्चन में अगर आपको मिलेगा tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, तो आप उसको पाई बाई टू डायरेक्ट लिख सकते हैं और अगर पाई बाय टू लिखा है और आपको tan इनवर्स x और कॉट इनवर्स x की नीड है तो आप वहां पर ये लिख सकते हैं अगर कॉट इनवर्स x माइनस पाई बाय टू लिखा है तो tan इनवर्स x लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय टू लिखा है तो कॉट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं ठीक है तो आप फोर फाइव फार्मूले इसी फार्मूले से जनरेट कर सकते हैं ठीक है तो ये फार्मूला याद होगा तो जो आपको क्वेश्चन में नीड होगी आप उसके हिसाब से इसको इंटरचेंज आगे पीछे करके यूज कर सकते हैं सिमिलरली साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो पाई बाय टू होता है और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू होता है वेरी इंपॉर्टेंट सेट ऑफ फार्मूलाज ठीक है और जो सेट फोर्थ है बेटा ये हमने क्लास इलेवंथ में भी पढ़ा था ठीक है जब मैंने आपको वहां पर भी पढ़ाया था अलग से वीडियोस भी बताई थी और शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई थी फार्मूला याद करने की तो यहाँ पर ये दोनों टेन के फॉर्मूले हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू तो टेन इनवर्स जब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस ही आएगा ठीक है डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स वाई और नीचे अपोजिट साइन हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई है तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स वाई ठीक है ये जो साइन है ये आपने याद रखना है जो ओरिजिनल फॉर्मूले में होगा ऊपर वही आएगा नीचे उसका अपोजिट हो जाएगा ठीक है अब टू टैन इनवर्स एक्स इसके बेटा तीन फॉर्मूले हैं एक इसका साइन इनवर्स की फॉर्म में है एक कॉस इनवर्स की फॉर्म में है और एक टेन इनवर्स की ही फॉर्म में है ठीक है तो ये तीनों जहां पर नीड के अकॉर्डिंगली आपको साइन इनवर्स चाहिए कॉस इनवर्स चाहिए या टेन इनवर्स चाहिए आप वैसे इसको यूज कर सकते हैं जैसे टू टैन इनवर्स एक्स टू टैन इनवर्स एक्स को मैं लिख सकती हूँ साइन इनवर्स टू एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क् इन टर्म्स ऑफ cos कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क् अपॉन वन प्लस एक्स स्क् और टू टैन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स में टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वेयर तो ये देखो जब साइन और cos में था डिनोमिनेटर सेम था वन प्लस एक्स स्क्र लेकिन जब tan की फॉर्म में लिखना है, तो ये अपोजिट हो गया इसका साइन वन माइनस और ऊपर टू ठीक है तो ये कुछ फार्मूले थे और एक ये फार्मूला जैसे साइन थ्री थीटा इज इक्वल टू थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा ये फार्मूले आपके डिफ्रेंसेशन में भी यूज हो रहे हैं जो क्यूबिक वाले हैं तो ये आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे ठीक है चलते हैं बेटा एक्सरसाइज की तरफ फार्मूले तो और भी आते रहेंगे साथ साथ में साइड में आपको पूरा डिटेल फार्मूला बताती जाऊंगी ठीक है तो वो आपने पेन डाउन कर लेने एक पेज पे तो ताकि आपको फार्मूले अच्छे से याद रहे ठीक है जितने हो सकते थे मैंने लिख लिए हैं फर्स्ट पेज पे उसके अलावा जो कोई आएगा वो मैं साइड में आपको बताती जाऊंगी ठीक है हर स्टेप मैंने कोशिश की है कि आपको रफ में भी क्लियर कर दू ताकि आपको यहां पर कोई डाउट ना रहे किसी भी क्वेश्चन में ठीक है बच्चे अब देखिए बेटा एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर वन यहां पर मैंने पहले ही लिख दिया है फोर मार्क्स सीबीएसई ये क्वेश्चन दो तीन बार सीबीएसई के पेपर में फोर मार्क्स का ये क्वेश्चन आ चुका है ठीक है क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तो ये चार नंबर आपके हाथ में अगर फार्मूला नहीं आता है आपको तो ये चार नंबर नहीं मिलेंगे आपको ठीक है देखिए क्या है prove दैट थ्री साइन inverse एक्स इज इक्वल टू साइन inverse थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल माइनस वन बाय टू वन बाय टू ठीक है अब देखो बेटा ये फॉर्मूला है साइन थ्री थीटा थ्री साइन थीटा का ये फॉर्मूला है एक साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थ्री थीट तो अगर यहां पर ध्यान से देखे हम देखो थ्री अगर एक्स की जगह साइन थीटा डाल देती थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा तो फिर इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ साइन थ्री थीटा फिर साइन इनवर्स और साइन कैंसल तो थ्री थीटा आ जाएगा तो इसका मतलब ये मैं सब्सिट्यूशन से कर सकती हूँ अगर मुझे फॉर्मूला पता होगा तभी इसीलिए मैं बार बार बेटा बोल रही हूँ कि फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए ठीक है चलिए यहाँ पर मैं आरएचएस ले लेती हूँ यहाँ पर एक्स की जगह मैं सब्सिट्यूट कर देती हूँ साइन थीटा तो एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा तो थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स ठीक है तो अब क्या है यहां पर हम सिचुएशन कर देते हैं जहां जहां पर एक्स था वहां वहां पर हमने क्या डाल दिया साइन थीटा तो ये साइन इनवर्स थ्री का आ जाएगा थ्री एक्स की जगह आ जाएगा साइन थीटा माइनस फोर की जगह फोर साइन क्यूब थीटा तो अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा किसका फॉर्मूला है साइन थ्री थीटा का तो इस सारे की जगह मैं लिख सकती हूँ साइन थ्री थीटा अब ये साइन है ये साइन इनवर्स है ये कैंसिल आउट हो जाता है हमने काट के नहीं दिखाना है मैंने पहले भी आपको बोला था मन में रखना है कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये आ जाएगा थ्री थीटा अब देखो बेटा जो क्वेश्चन हमें गिवन था ना वो एक्स में गिवन था तो हमारा जो आंसर है वो थीटा में आ रहा है तो ऐसा कभी भी नहीं होता जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया होता है जिन वेरिएबल्स के फॉर्म में हमने आंसर भी उसी फॉर्म में लिखना होता है इसीलिए मैंने यहां पर ये एक्स्ट्रा स्टेप निकाल दिया था कि जो थीटा है इन टर्म्स ऑफ एक्स में क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स तो इसलिए थीटा की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे थ्री साइन इनवर्स एक्स तो अगर हम देखें तो थ्री साइन इनवर्स एक्स यही हमारा एल था तो दिस इज इक्वल टू एल एच एस हैंड्स प्रूफ तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर वन करना था अब क्वेश्चन नंबर टू देखिए बेटा प्रूव दैट थ्री कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स अगेन देखो ये जो फॉर्मूला है फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा ये किसका फॉर्मूला है ऑफ थीटा का फॉर्मूला अगर आपको फॉर्मूला आता है तो सिर्फ एक्स की जगह आपने कॉस थीटा पुट करना है और आपके फोर मार्क्स आराम से मिल जाएंगे आपको ठीक है तो यहां पर भी मैंने आर एच एस ले लिया बेटा एक्स को मैंने पुट कर दिया कॉस थीटा तो थीटा क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स अब यहां पर डाल दो कॉस इनवर्स फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा तो यहां पर क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स बाहर अंदर ये बन गया कॉस थ्री थीटा ये कैंसल आउट थ्री थीटा अगेन थीटा है थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा अब कॉस इनवर्स एक्स तो यही हमें मुझे चाहिए था थ्री कॉस इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू एल एच एस हैंड प्रूफ तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू करने हैं ठीक है बेटा अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या बोल रहा है प्रूव दैट टेन इनवर्स 2 अपॉन 11 प्लस टेन इनवर्स 7 अपॉन 24 इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन बाय तो अगर मैं देखूँ यहां पर मैं क्या फॉर्मूला लगा सकती हूँ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया पीछे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स यहाँ पर प्लस होगा तो न्यूमिनेटर में प्लस आएगा और डिनोमिनेटर में आएगा माइनस तो क्या फॉर्मूला टेन बाहर अंदर आ जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड तो यहाँ पर अगर देखें तो x क्या है 2 अपॉन और y क्या है सेवन अपॉन ट्वेंटी फोर तो लगाते हैं फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स वाई ठीक है अब क्या करना हमने इलेवन और ट्वेंटी फोर का एलसीएम ले लो आ जाएगा टू सिक्सटी फोर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फोर्टी एट प्लस सेवेंटी सेवन सिमिलरली नीचे इनका एलसीएम मतलब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 264 264 फोर टू सिक्सटी तो देखो ये 264 264 कैंसिल आउट हो जाएंगे इनको प्लस किया गया 125 इनको माइनस किया गया 250 तो 250 फिफ्टी वन ट्वेंटी फाइव वनजा वन ट्वेंटी फाइव वन टू ज टू तो ये आ जाएगा वन अपॉन्ट टू तो देखिए यही प्रूव करना था मुझे आरएचएस आ गई तो आरएचएस आ गया हैंड्स प्रूव्ड ठीक है बेटा ये सिर्फ फार्मूले हैं इस एक्सरसाइज में और कुछ भी नहीं है ओनली एंड ओनली अगर आपको फार्मूले आते हैं तो ये एक्सरसाइज आराम से आपकी सॉल्व होती जाएगी बिल्कुल एफर्ट लेसली ठीक है लेकिन अगर फार्मूले नहीं आते तो आप कोई भी स्टेप अपनी मर्जी से नहीं लिख पाओगे यहां पर क्वेश्चन नंबर फोर देखिए प्रूव दैट टू टेन इनवर्स वन बाय टू प्लस टेन इनवर्स वन बाय सेवन इज इक्वल टू टेन इनवर्स थर्टी वन अपॉन सेवनटीन अभी कई बच्चे बोलेंगे कि मैम ये तो सेम क्वेश्चन है अभी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई ठीक है लेकिन अगर ध्यान से देखो बेटा तो यहाँ पर टू भी लगा हुआ है ठीक है अगर टू नहीं होता ना तो ये कौन सा क्वेश्चन था अभी क्वेश्चन नंबर थ्री जो हमने किया है सेम हो जाना था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स वाई लेकिन इस टू ने यहां पर काम खराब कर दिया है क्यों क्योंकि इस टू के लगने से ये फॉर्मूला कौन सा बन रहा है यहां पर टू टेन इनवर्स एक्स ठीक है x यहाँ वन बाय टू है तो इसका क्या फॉर्मूला होता है टू tan इनवर्स x का अभी मैंने पढ़ाया था tan इनवर्स टू एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्र ये इसका फॉर्मूला है तो सबसे पहले मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के बाद ही आगे इसको हम छेड़ सकते हैं तो लगाओ फार्मूला टू tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है tan इनवर्स बाहर अंदर आ जाएगा टू इंटू x एक्स क्या है यहाँ पर वन बाय टू तो वन बाय टू डिडेड बाई वन माइनस एक्स स्क् मतलब वन माइनस वन अपॉइंट टू का स्क्वेयर ठीक है ये टू टू कैंसिल ऊपर आ जाएगा टेन आ जाएगा वन नीचे तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे फोर माइनस वन थ्री बाय फोर अब ये इतना आ गया अब इसको मैं उल्टा करूंगी तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ टेन इनवर्स फोर अपॉन थ्री अब देखिए अब आपका ये क्वेश्चन नंबर थ्री बन चुका है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई तो इसको मैं लिख सकती हूँ टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई ठीक है अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम इसी को बस एलसीएम लेंगे वही सेवन थ्री ट्वेंटी वन और ट्वेंटी एट प्लस थ्री और यहां पर कितना आ जाएगा ट्वेंटी वन माइनस फोर डिवाइडेड बाय ट्वेंटी वन ठीक है ये ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन कैंसिल आउट हो जाएगा ट्वेंटी एट प्लस थ्री आ जाएगा थर्टी वन अपॉन थर्टीन यही आर एच एस था जो हमने प्रूव करना था ठीक है अब देखो जो क्वेश्चन नंबर फाइव ऑनवर्ड्स है बेटा वहां पर कुछ लग रही हैं हमारी सब्सटीट्यूशन जो कि मैंने यहां पर लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी सब्सटीट्यूशन इंटीग्रेशन में भी यूज होनी है इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में भी आते हैं इनके बेसिस पे और अगर वहां पर आपको ये सबस्टिट्यूशन याद नहीं है तो सिंपल इंटीग्रेशन से वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं इवन सिक्स सिक्स मार्क्स के भी क्वेश्चन जो है बच्चों के रह जाते हैं ठीक है तो इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके इस चैप्टर का ठीक है जो आपने याद रखना है अब देखिए इसमें क्या है अगर किसी क्वेश्चन में आपका अंदर मतलब किसी क्वेश्चन के अंदर बन रही है ये वाली फॉर्म ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र तो उसमें आप सीधा पुट कर देना एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा या एक्स इज इक्वल टू एटा उससे आपका क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर किसी क्वेश्चन में आपकी ये वाली फॉर्म बन रही है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्र उसमें आप सब्सिट्यूशन क्या करोगे एक्स की जगह पर ए साइन थीटा या ए कॉर्स थीटा अगर आपकी ये फॉर्म बन रही है एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र एक्स पहले है यहां पर यहाँ पर ए पहले था तो एक्स स्क्यूअर पहले है तो तब आपके यहां करोगे एक्स इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा ठीक है अकॉर्डिंगली ए जो भी होगा क्वेश्चन में और अगर आपका ये बन रहा है ए प्लस एक्स या ए माइनस एक्स वाली फॉर्म बन रही है वहां पर आप पुट कर दोगे एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टू थीटा तो ये कुछ सब्सिट्यूशन जो आपने पेन डाउन करनी है अपनी नोटबुक पे और इनको याद रखना है अच्छे से ठीक है? है अब इंटीग्रेशन में मैं रिपीट नहीं करूंगी वहां पर मैं आपसे पूछूंगी ये चीज ठीक है अब देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें तो लिखा है राइट द फॉलोइंग फंक्शन द सिंपलेस्ट फॉर्म अब देखिए टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्र माइनस वन अपॉन एक्स एक्स नॉट इक्वल टू जीरो सिंपलेस्ट फॉर्म में मुझे करना है तो रूट के अंदर की बात करूं तो इसको वन को मैं uh, लिख सकती हूँ वन स्क्वेयर प्लस एक्स स्क् वन स्क्र प्लस एक्स स्क्तर तो ए स्वेयर प्लस एस स्क्र था तो क्या पुट किया मैंने एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा वही वाली फॉर्म तो बन रही है ये ठीक है तो यहाँ पर ए की जगह पर क्या है वन है तो एक्स की जगह मैं क्या पुट कर दू टेन थीटा तो चलिए देखते हैं कि, कितने आसान होते हैं ये क्वेश्चन सब से एक्स की जगह मैंने पुट कर दिया भाई टेन थीटा और थीटा की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ जाएगी टेन इनवर्स एक्स ठीक है अब देखो क्वेश्चन में टेन इनवर्स का आ गया टेन इनवर्स वन का आ गया वन प्लस एक्सक्र की जगह आ गया टेन्स्क्योर थीटा माइनस वन और नीचे आ गया टेन थीटा ठीक है अब वन प्लस टैन स्क्योर थीटा किसके बराबर होता है सेक्स क्योर थीटा साथ में मैंने आइडेंटिटीज भी लिखी है अगर आपको भूल गई है तो आप याद कर सकते हैं ठीक है तभी मैंने डायरेक्ट स्टेप्स नहीं किए हैं साथ में मैंने हर कोई एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है वन प्लस टेन स्क्योर थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पर सेक्स स्क्र थीटा तो ये अंडर रूट सेक्सक्र थीटा माइनस वन अपॉइंट टेन थीटा है तो ये स्क्वेयर और रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा टेन इनवर्स सेक्स थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय टेन थीटा ठीक है अब देखो बेटा यहां से अगर मुझे और सिंपलीफाई करना है बाहर टैन इनवर्स है अंदर मुझे टैन बनाना है किसी तरीके से ताकि वो दोनों कैंसिल आउट हो जाए और मेरा आंसर आ जाए ठीक है अब सेक को मैं क्या लिख सकती हूँ वन अप कॉस लिख सकती हूँ और टैन को मैं क्या लिख सकती हूँ साइन अप कॉस लिख सकती हूँ ठीक है तो मैंने ये साइड में भी आपको बता दिया कि सेक की ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसे कर सकती हूँ टैन को ये लिख सकती हूं क्यों क्योंकि मुझे अंदर टैन बनाना है ठीक है यहां पर मैंने कर दिया वन अपॉन थीटा माइनस वन यहां पर आ गया साइन अपॉन कॉस अब यहां पर एलसीएम लगेगा वन माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये भी उल्टा हो जाएगा तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस कॉस कैंसिल ही आ जाएगा वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ठीक है अब यहां तक हम पहुंच चुके हैं बेटा यहां पर भी फॉर्मूला लगेगा वन माइनस कॉस् थीटा का फार्मूला क्या होता है ये कुछ गोल्डन फार्मूले होते हैं वन माइनस कॉस् थीटा का होता है टू साइंस क्योर थीटा बाय टू इसी तरह आगे चल के आपको मैं ये भी बताऊंगी कि वन प्लस कॉस्थीटा का भी होता है फॉर्मूला वो होता है टू कॉस्क्योर थीटा बाय टू ठीक है ये इन, इनको गोल्डन फॉर्मूला बोलते हैं ठीक है कहीं पर भी फिट कर दो आंसर आ जाता है इस तरह की सिचुएशन आएगी ठीक है तो यहाँ पर है साइन तो में थीटा बाइ टू तो साइन थीटा तो का क्या होता है टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाय टू तो दोनों का मैंने फॉर्मूला लगा दिया टू टू कैंसिल हो गया साइन थीटा बाई टू एक साइन थीटा बाई टू कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू जो आ गया टेन थीटा बाय टू टेन और टेन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे अगेन थीटा बाय बायू मैंने बोला था क्वेश्चन हमारा एक्स में है तो आंसर भी एक्स में ही आना चाहिए तो वन बाय टू इन टू थीटा थीटा की वैल्यू यहां पर हमने जब सब्सटीट्यूट की थी तो चलिए यहां पर थीटा की जगह क्या लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स तो यहां पर क्या आ जाएगा वन बाय टू टेन इनवर्स एक्स ठीक है कई बच्चे ये लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स बायू दैट विल बी योर रॉन्ग क्योंकि ये वन बाय टू मल्टीप्लाई थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स एक्स तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन ठीक है अब क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए बेटा टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट एक्सक्र माइनस वन ठीक है तो अगर आपको नहीं पता होंगी तो इसको आप क्या ही कर दोगे क्वेश्चन को तो यहां पर देखो अंडर रूट एक्स स्क् माइनस वन मैंने लिखा तो ये कौन सी बन रही है एक्स स्क्र माइनस वन स्क्र तो अभी मैंने बताया था दो फॉर्म्स होती है एक में एक्स स्क् बाद में आता है मतलब ए स्क्यर माइनस एक्स स्क् होता है वहां साइन और कॉस पुट करते हैं लेकिन जब एक्सक्र पहले आता है तब कौसेक या सेक पुट करते हैं यहां भी ए की जगह वन है तो एक्स की जगह क्या पुट कर दो कॉसेक थीटा तो आपकी मर्जी सेक थीटा कर दो या कॉसेक थीटा ठीक है

अब ये स्क्र और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा ये आ गया टैन इनवर्स वन अपॉन कॉर्ड थीटा वन अपॉन कॉर्ड थीटा को हम क्या लिख सकते हैं टैन थीटा ये कैंसिल आ गया थीटा अब थीटा किसके बराबर था कॉस सेक इनवर्स एक्स ठीक है दिस विल बी योर आंसर तो अगर एनसीआरटी में देखें बेटा तो एनसीआरटी में आंसर ये दिया है अगर ये बनाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें पता है अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कॉसेक एक इनवर्स एक्स प्लस सेक एक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू तो पाई बाय टू तो कॉसेक एक इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा पाई बाय टू माइनस सेक एक इनवर्स एक्स तो उन्होंने यही लिखा है तो इस तरीके से हमने ये वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है ठीक है बेटा क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है देखिए वन माइनस कॉसे एक्स और वन प्लस है सिंपल ठीक है जो हमने पढ़ी थी उनमें से कुछ भी नहीं है लेकिन यहाँ मैंने आपको बोला था जब भी वन गोल्डन रूल है वन माइनस कॉस एक्स की जगह पर टू साइंस्योर एक्स बाय टू और वन प्लस कॉस एक्स की जगह पर टू कॉस्क्योर एक्स बाय टू तो देखिये यहां आ जाएगा टू साइंस्योर एक्स बाय टू टू कॉस्क्योर एक्स बाय टू 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 कैंसिल आउट हो जाएगा ये बन गया टेन स्क्योर एक्स बाय टू और रूट कैंसिल तो टेन एक्स बाय टू टेन इनवर्स और टेन कैंसल तो x बाय टू तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी जो है आपका निकल जाएगा अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर एट इसमें क्या दे रखा है हमें टेन इनवर्स एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एक्स लाई कर रहा है जीरो और पाई के बीच तो दो चीजें हैं जब भी आपका साइन कॉस में होता है ना हमेशा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को साइन या कॉस के साथ डिवाइड कर लो जो पहले होगा यहाँ पर ठीक है और दूसरी चीज इसको मैं ऐसे भी बना सकती हूँ ना टेन इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई तो यहाँ पर वन मिलना चाहिए मुझे यहाँ पर वन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सबको डिवाइड कर देती हूँ तो देखो कॉस एक्स के साथ सबको मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पर आ गया मेरा वन माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस वन प्लस टेन एक्स ठीक है अब इसको ए ले लू इसको बी ले लू ठीक है तो वन प्लस इधर मैं लिख सकती हूँ वन तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स ए माइनस बी डिवाइडेड बाई वन प्लस ए इ बी ठीक है तो क्या फार्मूला है इसका टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई ठीक है मतलब टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स वाई ठीक है तो टेन इनवर्स ए और टेन इनवर्स बी बोलो या एक्स वाई बोल हो तो ए क्या है यहां पर वन और देखो बी क्या है tan एक्स तो ये आ जाएगा tan इनवर्स वन अगेन आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपने कल ही की है अभी तो tan इनवर्स x की जगह पर यहां 1, 1 का क्या मतलब है कि tan की वैल्यू वन कैंसिल हो जाएगा यहाँ आ जाएगा x tan और tan इनवर्स एक्सर कैंसिल हो जाएगा पाई बाय फोर तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बाय फोर माइनस एक्स दिस विल बी योर आंसर अगेन देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर नाइन टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्ट्यूशन वाला का स्क्वेयर माइनस एक्सक्र एक्सक्र है तो हम सब्सटीट्यूशन क्या लेते थे ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा ठीक है तो यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा तो यहाँ पर मैं आपको बता दू यहाँ पर एक स्टेप हो तो एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा तो उसके बाद ये स्टेप कर लिया मैंने थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय अब देखो टेन इनवर्स एक्स की जगह पर मैंने लिख दिया ए साइन थीटा अंडर रूट ए स्क्र का ए स्क्यर माइनस एक्स स्क् की जगह ए स्क्र साइन स्क्र थीटा ठीक है ये ए साइन थीटा एज इट इज रहेगा ए स्क्र कॉमन ले लो अंदर आ जाएगा वन माइनस साइन स्क् थीटा ठीक है तो आपको पता है वन माइनस थीटा बताने की जरूरत तो है नहीं की साइंस थीटा प्लस कॉस्क्योर थीटा वन होता है तो यहाँ पर क्या है मेरे पास है वन माइनस साइंस स्क्र थीटा तो मैं क्या लिख सकती हूँ कॉस्क्योर थीटा तो ये आ जाएगा ए स्क्र कॉस्क्योर थीटा ए कॉस थीटा का होल स्क्र और रूट कैंसिल क्या बच गया ए साइन थीटा थीटा ए ए कैंसिल और थीटा थीटा की वैल्यू यहां पर हम निकाल रखी है साइन इनवर्स बी योर आंसर ठीक है बहुत ही इजी एक्सरसाइज है सिर्फ यहां पर आपको फॉर्मुले आने चाहिए अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर टेन है टेन इनवर्स थ्री ए स्क्र एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस थ्री ए एक्स हमारा एक फॉर्मूला है थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस थ्री टेन स्क्र थीटा होता है टेन थ्री थीटा के बराबर ठीक है टेन थ्री थीटा के बराबर तो इसका मतलब मुझे यहां पर ए रिमूव करना है ए रिमूव करना है तो हाइएस्ट पावर थ्री है तो Uh, यहाँ पर टू है तो इसका मतलब मैं एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा पुट कर लेती हूँ तो सिमिलरली थीटा कितना आ जाएगा टेन इनवर्स a। तो देखिए टेन इनवर्स थ्री ए स्क्र एक्स की जगह डाल दिया ए टेन थीटा माइनस एक्स क्यूब की जगह डाल दिया ए क्यूब टेन क्यूब थीटा नीचे आ जाएगा ए क्यूब माइनस थ्री ए और ए स्क्योअर टेन स्क्र थीटा अब ये आ जाएगा थ्री ए क्यूब टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा ए क्यूब माइनस थ्री ए क्यूब टेन स्क्र थीटा ऊपर भी एक क्यूब नीचे भी एक क्यूब ले लो कॉमन अंदर बन गया मेरा थ्री टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्कटा अब देखिए ये क्या है ये है फॉर्मूला टेन थ्री थीटा का तो यहाँ पर लिख दिया टेन थ्री थीटा टेन और टेन इनवर्स कैंसल आउट थ्री थीटा थ्री का आ जाएगा थ्री और थीटा की जगह <coughs> सॉरी थीटा की जगह वैल्यू लिख दीजिए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए तो दिस विल बी अवर आंसर क्वेश्चन नंबर इलेवन देखिए टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स वन बाय टू वेरी इजी क्वेश्चन ठीक है अब देखिए यहाँ स्टेप बाय स्टेप करते हैं पहले है साइन इनवर्स वन बाय टू तो वन बाय टू जो है साइन की वैल्यू कहां पर होती है पाई बाय सिक्स तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ साइन पाई बाय सिक्स अगले स्टेप में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे टू का टू और ये पाई बाय टू वन जो टू टू थ्री जिक्स तो ये मुझे मिल गया पाई बाय थ्री अभी आ जाएगा टू कॉस पाई बाय थ्री कॉस पाई बाय थ्री की वैल्यू क्या होती है वन बाय टू टू और टू कैंसिल वन अब टेन इनवर्स वन फिर से फर्स्ट एक्सरसाइज वन किस पे होता है टेन पाई बाय फोर पे तो टैन पाई बाय फोर ये कैंसिल तो पाई बाय फोर पाई बाय फोर इज अर आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखिए आगे बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है सिर्फ फॉर्मूले ही अप्लाई करने हैं हमने क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखिए कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए तो ये स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया था कि टेन इनवर्स एक्स प्लस होता है के तो ये हो जाएगा पाई बाय टू और कॉट ऑफ नाइन्टी डिग्री होता है जीरो तो पर आ जाएगा जीरो इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्स इनवर्स वन माइनस वाई स्क्र अपॉन वन प्लस वाई स्क्र मॉड एक्स लेस देन वन है वाई ग्रेटर है ठीक है, 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 है तो अभी हमने फर्स्ट शीट में ये फॉर्मूले पड़े थे कि साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्र किसका फॉर्मूला है टू टेन इनवर्स एक्स का और कॉस इनवर्स वन माइनस वाई स्क्र अपॉन वन प्लस वाई स्क्वेयर किसका फॉर्मूला है टू टैन इनवर्स वाई का

अंदर है वैल्यू तो देखिए क्या करेंगे यहां पर है, तो sin की जगह मैं लिख सकती हूँ साइन पाई बाई टू अब ये वाला साइन और ये वाला साइन कैंसिल आउट हो जाते हैं तो मेरे पास क्या बच गया है साइन इनवर्स वन बाय फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू ठीक है अभी हमने फॉर्मुले पढ़े हैं कि पाई बाई टू ये है इसमें लिख सकती हूँ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू फर्स्ट शीट में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है तो पाई बाई टू की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ठीक है लिख दिया अब ये कॉस इनवर्स और ये कॉस इनवर्स इनवर्स एक्स भी हमारे कैंसिल आउट हो गए तो मेरे पास क्या बच गया साइन इनवर्स वन बाय फाइव इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स तो साइन इनवर्स साइन इनवर्स भी कैंसिल आउट हो जाएंगे तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वन बाय फाइव ठीक है तो एक्स आ जाएगा वन बाय फाइव क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखिए देखिए यहाँ भी मैंने लिखा है फोर मार्क्स सीबीएसई में ये थ्री फोर टाइम्स आ चुका है ये क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का बोर्ड में ठीक है तो देखिए क्या क्वेश्चन है क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है थोड़ा सा ध्यान से देखें इफ टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू पाई बाय फोर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ठीक है तो हमने क्या कर दिया ये क्या हो गया इसको अगर मैं ए ले लूं और इसको बी ले लूं तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी डिडेड वन माइनस ए बी और इक्वल टू पाई बाई फोर एज इट इज रहने दिया अब ये टेन इनवर्स को उठा के मैं इधर ले जाऊंगी तो इधर बन जाएगा टेन ये बन गया टेन पाई बाय फोर टेन पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है टेन फोर्टी फाइव की वन ठीक है तो उसको वन लिख देंगे मीन वाइल जब तक हमने ये लिख दिया इसका एलसीएम क्या आ जाएगा x माइनस टू एक्स प्लस टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू ठीक है नीचे आ जाएगा x माइनस टू एक्स प्लस टू यहां पर आ जाएगा x माइनस टू एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन ठीक है अब ऊपर वाले को हम क्या करेंगे ओपन कर लेंगे या आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्स टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू प्लस एक्स स्क्स एक्स माइनस टू यहाँ टेन फाइव बाई फोर है और नीचे अगर हम देखें देखो ये ए माइनस बी ए प्लस बी मतलब ए स्क्र माइनस बी स्क्र माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र वही मैंने लिख दिया यहाँ टेन फाइव बाई फोर की जगह मैंने लिख दिया वन अब देखो ये टू एक्स प्लस का है माइनस टू एक्स कैंसिल माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल ठीक है पीछे क्या बचेगा मेरे 2x2, और ये माइनस टू और माइनस टू माइनस फोर नीचे देखो ये बच गया एक्सर माइनस फोर माइनस एक्सर प्लस एक्सर प्लस माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे नीचे बच गया माइनस थ्री ये इधर जाएगा तो माइनस थ्री इधर हो जाएगा टू एक्सक्र इज इक्ल टू माइनस थ्री प्लस वन टू एक्सर इज इक्वल टू वन एक्सक्र इज इक्वल टू वन टू तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वन बाय टू रूट वन तो वन ही होता है तो प्लस माइनस वन बाय रूट टू इज अवर आंसर तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था कुछ भी नहीं इसमें इवन कोई फार्मूला भी नहीं इतना लगा है एक ही सिंपल सा स्टार्टिंग में फार्मूला लग गया हमारा कि टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी किसके बराबर होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी डिडेड बाय वन माइनस ए बी उसके बाद हमने सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है टेन इनवर्स को इधर ले गए इधर टेन फाइव बाय फोर की वैल्यू वन आ जाएगी इसको सिंपल कैलकुलेशन से हमने जब सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू हमारी आ गई प्लस माइनस वन बाय रू थ्री रूट टू सॉरी और ये फोर मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देख लिए बेटा साइन इनवर्स साइन टू पाई बाय थ्री ठीक है कहीं बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो इसको देखते ही क्या करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज वाला मेथड लगा देंगे अच्छा जी साइन और साइन इनवर्स को काट दो आंसर ठीक है लेकिन बेटा इतना नहीं करना है पहले मैंने आपको कितनी बार बोला है कि जब भी हमने इसका निकालना है साइन इनवर्स की मैंने आपको रेंज बताई थी फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या रेंज होती है साइन इनवर्स एक्स की साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है क्लोज इंटरवल माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू लेकिन जब आप टू फाई बाय थ्री को सॉल्व कर रहे हो तो वो आ रहा है आपका 120. लेकिन रेंज क्या है इसकी माइनस नाइन्टी से प्लस नाइन्टी तो क्या 120 इसके बीच फॉल कर रहा है नो तो इसका मतलब हम वो वाला मेथड यहाँ पर इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि कैंसिल करके आंसर लिखने क्यों क्योंकि हमारा आंसर रेंज के बीच नहीं आएगा जो कि गलत होगा ठीक है तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा इस तरीके से निकालना है कि जो इसका आंसर आए इसी की रेंज के अंदर का आए अब ये कितना आ रहा है 120 ट्वेंटी आ रहा है तो देखो बच्चे इसको मैं लिख सकती हूँ साइन ऑफ वन ठीक है अब मैंने साइन वन लिख दिया तो जब मैंने इलेवंथ में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाए थे मैंने आपको बोला था कि ये एक्सिस होती है ये वाई एक्सिस होती है जब हम वाई एक्सिस वाली एंगल्स को लेके प्लस माइनस करते हैं तब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है साइन कॉस को जाता है इस तरीके से ठीक है लेकिन जब हम एक्स एक्सिस में लेते हैं तब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती ठीक है अब ये साइन वन है तो अगर मैं इसको लेती हूं इसको लिख सकती हूँ

साइन 60 डिग्री अब देखो 60 डिग्री आ गया ये बीच रेंज में आ रहा है माइनस नाइनटी से 90 की हाँ अब हम कर सकते हैं कि इसको इसको कैंसिल किया तो 60 डिग्री आंसर 60 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखते हैं पाई बाय थ्री तो पाई बाय थ्री अब बिलोंग कर रहा है हमारी इस रेंज को तो हमारा ये आंसर जो है वो अब बिल्कुल ठीक है

माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू लेकिन ओपन इंटरवल ठीक है तो जब मैं थ्री पाई बाय टू को सॉल्व थ्री पाई बाय फोर को सॉल्व कर रही हूँ बच्चे तो मेरा आ रहा है वन थर्टी फाइव तो ये माइनस नाइन्टी और नाइन्टी के बीच की वैल्यू नहीं है तो इसीलिए मैं यहाँ पर भी इनको काट के ना सीधा आंसर वन थर्टी फाइव या थ्री पाई बाई फोर नहीं लिख सकती हूँ ठीक है अब मैंने यहाँ पर लिख दिया वन थर्टी फाइव फिर से मैं लूंगी 180 180 में से माइनस फोर्टी करो तो 135 आ जाता है ठीक है तो 180 एट्टी माइनस फोर्टी अगेन कौन सा क्वाड्रेंट आ गया बच्चे सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में टैन की क्या कंडीशन होती है एड शुगर टू कॉफी यहाँ पर सिर्फ साइन और cosec पॉजिटिव होते हैं तो टैन क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा tan नेगेटिव हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस टेन फोर्टी अब ये जो माइनस है ये अंदर दे दो 45 को तो टेन और टेन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे तो माइनस फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी फाइव को रेडियन की फॉर्म में क्या लिखते हैं माइनस फाइव बाई फोर अब ये जो माइनस फोर्टी फाइव है ये माइनस नाइनटी और नाइन्टी के बीच में आ रहा है हाँ आ रहा है इसका मतलब अब मेरा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है इसकी रेंज के अंदर आ रहा है ठीक है बेटा क्वेश्चन नंबर एटीन देखिए बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा सा डिफरेंट है ठीक है इजी बहुत है थोड़ा सा डिफरेंट है थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को ठीक है अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि यह भी बड़े इजी तरीके से आपको समझ में आ जाए देखिए बेटा टैन साइन इनवर्स इनवर्स थ्री बाय टू ठीक है तो इसको अगर मैं ले लू टैन ऑफ ए प्लस बी ठीक है अब देखो ए को क्या पुट कर सकती हूं मैं साइन इनवर्स थ्री बाय फाइव ठीक है साइन ए कितना आ जाएगा थ्री बाय फाइव ठीक है साइन ए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन ए थ्री अपॉन फाइव मतलब परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर है है और 5 है. तो अब मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया तो इसकी हेल्प से मैं बेस निकाल सकती हूँ तो बेस मैंने निकाल दिया बेस आ गया मेरा फोर ठीक है ये सिर्फ अभी समझो आप ध्यान से एक बार ठीक है ये हो गया अब देखो बी मेरा क्या है बी मैंने किसको लिया था कॉट इनवर्स थ्री बाय टू देखो लिया कॉट इन थ्री बाय टू तो यहाँ पर cot इधर ले आओ तो cot भी आ जाएगा थ्री बाय टू अब cot क्या है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ये होता है ना cot cot आ जाएगा बेस अपॉन परप्डिक्युलर अब ये वाला मैंने cot के लिए ट्राइंगल बना दिया बेस कितना है यहाँ पर थ्री और परपेंडिकुलर कितना है टू तो थ्योरम लगाई हाइपर्टिन मुझे थी पीजीटी मैंने तीसरी तीसरी चीज भी इनकी निकाल ली ठीक है बेटा अब देखो अब क्या होगा अब यहां पर डालते हैं वैल्यूज यहाँ पर क्या था टैन मैंने इसको माना था ए और इसको मान लिया था मैंने बी तो टैन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए टेन बी ठीक है अब देखिए टेन का फॉर्मूला क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस जब टैन ए की बात हो रही है तो ए वाला ट्राएंगल कौन सा था ये ये वाला बी वाला है ना कॉट बी वाला तो जब टेन ए की वैल्यू सब्सिट्यूट करूंगी तो कौन सा ट्राइंगल देखूंगी ये वाला तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर इज थ्री एंड बेस इज फोर तो थ्री अपॉन फोर ठीक है अब टेन बी ट बी बी वाला ट्राइंगल कौन सा बनाया मैंने ये तो यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब टू अपॉन थ्री ठीक है तो ये वैल्यूज लिखती अब टेन ए प्लस टेन बी सॉल्व कर दो फोर थ्री ट्वेल्व थ्री थ्री नाइन प्लस एट और नीचे ये ट्वेल्व ट्वेल्व माइनस सिक्स ट्वेल्व ट्वेल्व कैंसल ये सेवेंटीन अपॉइंट सिक्स विल बी आंसर ठीक है तो ये आ, बहुत ही ईजी है सिर्फ थोड़ा सा आपने ध्यान दिया हमने इसको सब्सिट्यूट लेट कर लिया ए के बराबर इसको लेट कर लिया बी के बराबर यहां से हमने साइन और कॉट के वैल्यूज को देखते हुए पूरा ट्राइंगल की तीनों साइड uh, निकाल ली फिर यहां पर इसमें सब्सिश्यूट कर दी सब्सिट्यूशन के टाइम ये ध्यान रखना कि जब ए की बात हो रही है तो साइन ए वाला ए वाला ट्राएंगल देखना और जब बी की बात हो रही है तो ये बी वाले ट्राएंगल से ही वैल्यू लेना ये नहीं है कि दोनों की यहां से उठा के ले लो तो क्वेश्चन जो है वो आपका गलत हो जाएगा ठीक है थोड़ी सी फोकस और कंसेंट्रेशन से इस क्वेश्चन को आपने हैंडल करना है अदरवाइज दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन ठीक है आगे वाले क्वेश्चन वैसे करवाने की जरूरत तो नहीं है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है सिमिलर है जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़े थे ठीक है देखो अगेन साइन इनवर्स बाई थ्री है तो टू पाई बाई थ्री को पहले चेक कर लो वन ट्वेंटी आ रहा है लेकिन साइन की साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है माइनस नाइन्टी से नाइन्टी इसका मतलब हम इसको काट के सीधा आंसर नहीं लिख सकते हैं अगेन क्या लिखेंगे साइन इनवर्स साइन एक सौ बीस डिग्री का है तो एक सौ बीस हमने लिख दिया वन ट्वेंटी को अगेन हम 120 को हम लिख सकते हैं अगेन सेकंड सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है तो इसको मैं लिख सकती हूँ साइन वन एटी माइनस थी साइन थीटा तो ये साइन 60 डिग्री आ जाएगा अब 60 डिग्री उसकी रेंज में फॉल कर रहा है अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे सिक्सटी को हम फाइव बाई थ्री लिख सकते हैं फाइव बाई थ्री जो सिक्सटी डिग्री है वो क्लोज इंटरवल माइनस फाइव बाई टू फाई बाई टू के बीच आता है इसका मतलब ये हमारा ठीक है क्लियर क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन देखिए टेन इनवर्स टेन थ्री पाई बाय फोर अब थ्री पाई बाय फोर को जब हमने सोल्व किया तो आ गया वन थर्टी फाइव आई थिंक ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी हाँ ये मुझे लगता है मैं रिपीटेड करवा रही हूँ शीट्स आगे पीछे होगी थी तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं ठीक है ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर अगेन सेवन फाइव बाई करो देखो टू हंड्रेड टेन आ रहा है और कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है जीरो से वन एटी डिग्री क्लोज इंटरवल तो इसके बीच नहीं आ रहा है इसलिए हम इसको कैंसल आउट नहीं कर सकते हैं इसको मैंने लिख दिया कॉस ऑफ टू हंड्रेड टेन डिग्री अब मैंने उसको कर दिया वन इसको मैं लिख सकती हूँ वन एटी प्लस थर्टी ठीक है वन एटी प्लस थर्टी कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव क्यों एड शुगर टू कॉफी इसमें टेन और कॉड पॉजिटिव होते हैं बाकी सब नेगेटिव होते हैं ठीक है तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थर्टी डिग्री अब आपने फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ा था इधर भी फर्स्ट शीट में मैंने पढ़ाया था कि कॉस इनवर्स ऑफ थीटा क्या होता है वन माइनस कॉस इनवर्स थीटा ठीक है अगर इसको थीटा मान लो ठीक है तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स मान लो या क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा पाई माइनस एक्स ठीक है पाई माइनस ऐसे आएगा ना पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा ठीक है अब ये ये कैंसिल आउट हो जाएगा अब ये नेक्स्ट स्टेप बनेगा पाई माइनस थर्टी डिग्री थर्टी डिग्री को हम पाई बाय सिक्स लिखते हैं तो पाई माइनस पाई बाई सिक्स सिक्स पाई माइनस π बाय सिक्स तो ये आ जाएगा फाइव फाइव बाय सिक्स अब फाइव फाइव बाय सिक्स जब आप ओपन करके देखोगे तो वो इसी इंटरवल में फॉल करेगा ठीक है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन पाई बाई थ्री माइनस साइन इनवर्स हाँ तो ये सिंपल क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स तो ये बाहर माइनस एक और था और ये हो गया प्लस साइन इनवर्स वन बाय टू अब साइन की वैल्यू वन बाय टू कहां पर होती है पाई बाय सिक्स पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये आ जाएगा पाई बाय थ्री प्लस पाई बाय सिक्स लेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाय टू और साइन पाई बाय टू यानी कि साइन नाइन्टी डिग्री की वैल्यू क्या होती है वन तो ये हमारा हाँ आ जाएगा आंसर ये भी सेम क्वेश्चन है जो आपने एक्सरसाइज वन में करा था टेन इनवर्स ये एज इट इज रहेगा आपका ऑट इन ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स सेकंड फैमिली को बिलोंग करता है तो ये आ जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स ठीक है अब ये खोल लो माइनस पाई हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस इनवर्स हो जाएगा अब ये टेन इनवर्स रूट थ्री की वैल्यू टेन पे देता है टेन पाई बाय थ्री पे देता है ये आ जाएगा माइनस प्लस कॉट इनवर्स कॉट रूट थ्री किस पे देता है पाई बाय सिक्स पे देता है ये कैंसिल आउट हो जाएगा पाई बाय थ्री ये माइनस पाई ये पाई बाय सिक्स तो अब एलसीएम ले लो सिक्स आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा टू पाई माइनस सिक्स पाई प्लस पाई तो ये आ जाएगा माइनस सिक्स पाई प्लस थ्री पाई माइनस थ्री पाई बाय सिक्स थ्री वन जी थ्री थ्री टू जिक्स तो ये आ जाएगा माइनस पाई बाई टू तो मैंने आपको बताया था जब एक से ज्यादा फंक्शन होंगे तब हमें रेंज देखने की जरूरत नहीं होती जब सिंगल होगा तो तब हमें रेंज देखनी होती है ठीक है तो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन तो इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज टू पॉइंट टू एनसीआर कंप्लीट हमने क्वेश्चन जो है उनका सोल्यूशन डिस्कस कर लिया है ठीक है